शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जी, प्लीज ऐसे मत रोइए। वरुण जी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और वो जरूर घर लौटेंगे। अभी अभी बस पुलिस का फोन ही आएगा और वो हमें जरूर खुशखबरी ही देंगे। जी इंस्पेक्टर साहब, वरुण जी का कुछ पता चला? क्या? ठीक है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। जी क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? क्या कहा? उन्हें वरुण मिल गया ना? बोलिए ना दीदू, कहाँ है वरुण जी? पुलिस को कोई मिला है जो बहुत ही जख्मी हालत में। पुलिस ने हमें वहीं बुलाया है। इसका मतलब हमारे वरुण मिल गए। हमें हमारी श्रद्धा के भरोसे पे भरोसा था। आज तुम्हारी वजह से सबके अंदर एक उम्मीद जगी, इसी भरोसे से कि हम सब मिलके भाई का जन्मदिन उसके साथ मनाएंगे। ये सच में वो घर, इस बार भाई का जन्मदिन सबसे अच्छा होगा और मैं एक एक चीज खुद देखूंगा। तुम सब लोग सजावट और बाकी सब तैयारियां करो। श्रद्धा बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ वरुण को लाने के लिए। और हाँ, वरुण के जन्मदिन के लिए सारा खाना हम ही बनाएंगे। हम उसकी सारी पसंद की चीजें बनाएंगे। हाँ है ना भाभी, आज वरुण की चाची को उसकी पसंद का खाना बनाने दीजिए। बचपन में जब वरुण छोटा था तो उसके हर जन्मदिन पर वो अपनी पसंद का खाना, याद है, अपनी चाची से ही बनवाता था। और हम ना उसके लिए केक बनाएंगे। नहीं, केक मैं बनाऊंगा। बेटा, हमें केक बनाना है, ईंटे नहीं। आप देखना बुआ जी, मैं ऐसा केक बनाऊंगा ना, भाई उंगलियां चाटता रह जाएगा। और घर की सजावट की जिम्मेदारी मेरी। आज वरुण जी के जन्मदिन के लिए तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजना, हम उन्हें लेकर आते हैं। आप वरुण जी को लेकर आएंगी ना? हमारे सर की कसम खाइए। मैं तेरे सर की कसम खाती हूँ कीर्ति, मैं तेरे वरुण जी को जरूर घर साथ लेकर आऊंगी। आज का दिन सबसे ज्यादा यादगार होगा, देखना आप। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमें फोन करके यहाँ आने के लिए कहा था, वरुण त्रिपाठी जी मिल गए आपको? देखिए, मैंने आपको फोन करके पहले ही बोल दिया था, उनके कद काठी के जैसा आदमी मिला है हमें। तो वो अभी ठीक है, हम मिल सकते हैं उनसे? फिलहाल अभी नहीं,
ऑपरेशन थिएटर में जिंदा हैं, थोड़ा इंतजार करना होगा। जी। और इंतजार मत करवाइएगा माता रानी, हमारे वरुण को जल्दी से श्रद्धा के साथ घर वापस भेज दीजिए। मेरे बिना कोई भी काम ढंग से कर सकता है तू? भाई वो तो तू शुक्र मना कि मैं काम कर रहा हूं, वो भी तेरे जन्मदिन की तैयारी। हाँ तो, वरना बचपन से लेके आज तक तेरे लिए सब कुछ मुझे ही करना पड़ा है। सही से लगा दिया ना मैंने भाई। डॉक्टर साहब, पेशेंट ऑपरेशन ठीक हुआ है, आप खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन जब हॉस्पिटल आए थे तो बहुत जख्मी हालत में थे, अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम एक बार मिल सकते हैं उनसे? जी बिल्कुल, पर प्लीज उन्हें आराम करने दीजिएगा। आप अरुण जी को लेकर आएंगी ना? हमारे सर की कसम खाइए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।